यदि आपको भी यूरिन करते समय यूरिन के साथ में ब्लड आता है बार बार, उसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है, कमर में दर्द रखता है, या आपको बार बार यूरिन की इच्छा होती है, यह जो सारे सिम्टम अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ये जो सिम्टम होते हैं या यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर होता है, पेशाब की थैली जो होती है उसके कैंसर में भी ये देखने को मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं हो कि आपके कैंसर ही हो, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मिलना चाहिए ताकि वो आगे की जांचें करवा के देख सके। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। रेगुलर शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए, स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। दोस्तों, कैंसर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए मैंने कई और भी वीडियोस बनाए हैं पहले भी, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो गया है, चाहे आपको लंग कैंसर हो गया है, या और भी कहीं पे भी कैंसर डेवलप हो गए हैं, इसके लिए मैंने पहले भी कुछ और वीडियोस बनाए थे, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ साथ मैंने उसमें कुछ उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी दी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर से यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के बारे में, उसके कारण के बारे में, क्या उसके यानी उसके रिस्क फैक्टर की बात करेंगे, इसके लक्षणों की बात करेंगे, उसके साथ साथ ही होम्योपैथी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर होता कहाँ है। इसको समझने के लिए आपको यूरिनरी सिस्टम को समझना जरूरी है। आपके यूरिनरी सिस्टम जो, अगर मैं अगर इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो, दो गुर्दे होते हैं राइट और लेफ्ट में, और इन दोनों गुर्दों से यूरेटर्स निकलते हैं। यूरेटर जो होते हैं वो गुर्दों में बनने वाले यूरिन को ब्लैडर में ले जाने का काम करते हैं, इसी यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब की थैली में ले जाने का काम करते हैं। और यह जो पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर जो होता है पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है, और यह यूरिथ्रा द्वारा आपके शरीर से यूरिन को वो खाली कर देता है। इस तरह से आपका ये यूरिनरी सिस्टम जो होता है, अगर शॉर्ट में बात करें तो होता है। लेकिन जब कभी भी किसी कारण से आपको अगर ब्लैडर में कैंसर डेवलप हो जाता है तो उस वजह से आपको कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं जो कि देखने को मिलते हैं। जब कभी भी आपको लगे कि आपके यूरिन के साथ में आपको लगातार आपको ब्लड आ रहा है, या बीच बीच में आपको ब्लड आता है, उसके अलावा आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन की डिजायर होती है, इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द रहता है, कमर में आपको दर्द रहता है, यूरिन में जलन रहती है, तो यह सारे सिम्टम्स हैं इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपको यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर हम बात करें इसके कारण की, रिस्क फैक्टर की, तो इसमें जो जब कभी भी आपके जो सेल्स होती है इसकी ब्लैडर की, उन सेल्स के अंदर जब कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, उन जेनेटिक चेंजेस की वजह से उनमें जो है ओवरग्रोथ शुरू हो जाती है, और वो एक से दो, दो से चार, इस तरह से डिवाइड होना शुरू हो जाती है और एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, गांठ का रूप ले लेती है। इस तरह से इसमें जब जेनेटिक चेंजेस आते हैं उस कारण ये डेवलप होना शुरू हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर। इसके अलावा जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा केमिकल एक्सपोजर है, ऐसे वर्क प्लेस है जहां पे आप किसी, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में है या और कहीं पे, इस तरह से आपको एक्सपोजर अगर बार बार होता है तो उसकी वजह से भी आपको इसमें रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा बड़ा जो कारण होता है, जो हम बात करें इसके मुख्य रिस्क फैक्टर की, तो वो होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी इसमें एक बहुत बड़ा इसका कारण माना जाता है, उसकी वजह से भी आप इसमें रिस्क जो होती है आपकी काफी बढ़ जाती है यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर की। इसके अलावा अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर में बार बार इन्फेक्शन होता है, आपको बार बार यूटीआई की शिकायत होती है, तो उसकी वजह से भी आपको यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर जो होता है उसकी रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ केमिकल एक्सपोजर से, या फिर अगर आपको डाइट में बहुत ज्यादा आप नॉनवेज लेते हैं, आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इसका जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों में महिलाओं की तुलना में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है उनके ब्लैडर में कैंसर डेवलप होने का, खास तौर से अगर बात करें बुजुर्गों में, तो बुजुर्गों में इसमें जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ इसकी जो रिस्क होती है वो भी बढ़ जाती है। यह इसके कुछ मुख्य मुख्य कारण या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपको ब्लैडर में कैंसर डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं इसके कुछ मुख्य मुख्य प्रकार की, इसके टाइप्स की। इसमें जो सबसे कॉमन टाइप जो होता है वो होता है ट्रांजिशनल सेल्स कार्सिनोमा। यह इसका सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलने वाला कैंसर है यूरिनरी ब्लैडर का। इसके अलावा स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा हो सकता है, एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है, ये ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं बहुत ही जो कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, इसके इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से डॉक्टर्स में करवा के देखते हैं। तो जब कभी भी आपको अगर फैमिली हिस्ट्री है, उसके साथ साथ ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो आपके उसमें वो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फैमिली हिस्ट्री जानते हैं, उसके साथ साथ उनको अगर डाउट होता है
तो वो आपके कुछ टेस्ट होते हैं वो करवा के देखे जाते हैं, जैसे कि आपका सोनोग्राफी करवा के देखा जा सकता है, आपका सिस्टोस्कोपी करवा के देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर डाउट होता है तो आपकी बायोप्सी भी कर सकते हैं, जिसमें एक टुकड़ा लिया जाता है, उसकी फिर जांच की जाती है कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं है। इस ट्यूमर से उसका टुकड़ा जो होता है वो लिया निकाला जाता है। इसके अलावा आपकी यूरिन की जांच वगैरह कुछ और भी कुछ टेस्ट होते हैं वो करवा के देखे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट की। जब कभी भी आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपने जो डॉक्टर हैं, जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे जरूर मिलें। आपके जो यूरोलॉजिस्ट या जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट जो आपको सलाह देते हैं आप उनको जरूर फॉलो करें। उसके साथ साथ में आप अपनी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है, जो कि आप इसमें अपने एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ आप ले सकते हैं। इसमें कुछ वैसे तो कई मेडिसिन होती है जो कि इसमें काम में ली जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूंगा। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कार्सिनोसिन 200। इसकी एक अच्छी दवा है, खास दवा होती है कहीं पर भी जब कैंसर डेवलप हो जाए तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है वो है टेरेक्सेकम का मदर टिंचर, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर की एक बहुत खास दवा होती है टेरेक्सेकम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है थूजा 200 भी आपके ब्लैडर कैंसर की एक बहुत अच्छी दवा है, जहां पर भी ट्यूमर या जो ओवर ग्रोथ हो जाती है उसको कंट्रोल करने में काफी हेल्प करती है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड 30 इसमें काफी काम में ली जाती है, वो भी एक बहुत अच्छी दवा होती है ब्लैडर कैंसर की। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो इसमें बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा जैसा कि सजेशन देता हूँ, कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, उनसे प्रॉपर कंसल्ट करके उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। और हाँ, आपने अगर इस तरह की अगर आपको डॉक्टर ने कैंसर डायग्नोस किया है तो आप अपने जो कैंसर के लिए अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो अपने डॉक्टर की देखरेख में जरूर लें। उसके साथ साथ आप इसमें होम्योपैथी अपने ऐड कर सकते हैं जो कि आपको इसमें कुछ हेल्प कर सकती है, कई दफा इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।